यह है मेरा सिंगापुर सीरीज का 12th वीडियो। आपको इसमें सी एक्वेरियम देखने को मिलेगा जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सी एक्वेरियम है। तो आइए देखते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश वास्केट। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आ गया एक और न्यू व्लॉग के साथ वापस। मैं जा रहा हूं सी एक्वेरियम। वहां पे सुना है जैसे ये जो एक्वेरियम है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्वेरियम है। वहां पे मोर देन 800 या 800 अराउंड फिशेस की वेराइटियाँ हैं। तो देखते हैं और क्या क्या मिलता है और चलते हैं। बस मैं आ ही गया हूँ, फाइनली दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। अभी मैं हम बाहर हूँ तो चलो आइए देखते हैं कुछ बाहर का व्यू। इस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली टिकट ले लिया है और मैं क्यू में हूँ। जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हो रही है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। मुझे यहाँ पे जो टिकट की प्राइस है $42 है फॉरेनर्स के लिए, और अगर यहाँ के PR रेसिडेंसेज है उनके लिए $40 है। अगर आप आपके पास कोई बैंक कार्ड है DBS इंटरनेशनल डेबिट कार्ड तो आपको $32 मिल जाएगी, और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ तो मुझे टिकट मिली कुछ डिस्काउंट से $32 में। भाई चलते हैं, मैं अंदर आ गया हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप ये मेरे पीछे देख सकते हो इस तरह से व्यू है। सी एक्वेरियम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, चलो देखते हैं। मुझे यहाँ पे बताया कि मुझे इस वाउचर में मुझे पॉपकॉर्न फ्री मिल रहे हैं। बताया विजिटर जो भी है यहाँ के स्टाफ, उन्होंने बताया कि आपको पॉपकॉर्न फ्री में मिलेंगे। तो मैं पहले पॉपकॉर्न खाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा फूल करवाता हूँ क्योंकि ये भी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो मैं अकेला ही आ जाऊँगा। पॉपकॉर्न खा लेता हूँ पहले, फिर आपको जो भी क्या है आगे दिखाता हूँ। बाद में ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। सी एक मीडियम वेलकम टू सी एक पॉपकॉर्न की दुकान देखते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो आप इस चीज़ के ऊपर नीचे कितना हो रहा है।
दिया था एक वीडियो में, जो इसमें सभी लड़कियाँ हैं, मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा हूँ, ऐसा जो भी मैंने लड़की से नहीं लग रही है। चलते हैं आगे, आगे और क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आप क्लीनिंग हो रही है जो एक्वेरियम में, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर क्लीनिंग होती है इस एक्वेरियम की, इतना अच्छा। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, शायद डेली होता हुआ इसलिए इतना क्लियर है। अभी मैं क्यों, मैं हूँ वसीम ड्राइवर, जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देखते हैं क्या है। ओशियन व्यू, ये डॉल्फिन, डॉल्फिन देखने को मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको डॉल्फिन क्या है। वेल गाइस, ये था डॉल्फिन, देखी होगी आपने लेकिन बहुत दूर दूर थी, मैं देख नहीं पाया। अगर आप यहाँ पे कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, कुछ सोवेनिर लेना चाहते हो, आपको ये भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कैप बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, सारी फीसेस के मिल जाएंगे। ये मेरे पीछे देख सकते हो, टी शर्ट वी शर्ट भी ले सकते हो। आपको यहाँ पे छोटे छोटे पिलो भी मिल जाएंगे, देखते हो क्या क्या है। ये $35 का बिग पिलो डाल, 30 किलो। आपको लॉकेट भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ ले सकते हो आप अगर यहाँ से लेना चाहते हो। बहुत एक्सपेंसिव है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यह पिलो है कुछ ले सकते हो। तो चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे और क्या क्या आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी, और क्या मिलता है आगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या मिलता है देखते हैं। क्यू है तो कुछ तो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे देख के आता हूँ क्या है आगे, उसके बाद मैं क्यू में लगूँगा। ऑक्टोपस देखने के लिए क्यू है, दूर से ही दिखा देता हूँ आपको, क्यू लंबी है। मैं देखूँगा मुंशी जेली और इधर है ऑक्टोपस, ये दो चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर क्यू लगी हुई है। तो ऑक्टोपस मैं आपको दिखाता हूँ। यह है सी जेली फिश, सॉरी फर्स्ट टाइम देखिए सी फिश। इसका पिच ये देखो, इसका मुंह भी कुछ नहीं दिख रहा, एकदम जेली टाइप की लग रही है। देखो इंसान का ना इसी फर्स्ट टाइम रेड टाइप। कभी देखी है सी फिस पहले? मैंने तो पहली बार देखी है सी जेली फिस। ये
और यहाँ पर भी है बहुत सारी। सारी सी जेलीफिश है। ये इधर 3D में प्रिंट चल रहा है और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, आपको और दिखाता हूँ। गाइस ये है ओपन ओशियन, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। डिनर करना चाहते हो डिनर भी कर सकते हो, डिनर के लिए ही है। अभी कोविड की वजह से बंद है तो आप यहाँ खाना खा सकते हो लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो देख रहे हो खजाना, बस चलते बाकी ये देखते आगे और क्या मिलता है। कुछ इस तरह से मिलता और क्या मिलता है। टाइम भी हो गया हो, टाइम बहुत हो गया मुझे यहाँ पे। आधा व्यू मैंने देख लिया है, आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है, आगे चलते हो। आ गए हम अगर वहाँ पे फोटो खींचे हो जाते समय तो आप यहाँ आके फोटो ले सकते हो। मैं नहीं क्लिक कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई, टिकट से ज़्यादा फ़ोटो महंगी हो गया मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं क्लिक कर रही। और फिर एक्वेरियम आ गया, फिर से दिखाता हूँ। ये सेकंड वाला है, एग्जिट वाला है।
भूल जाते हो। आइए देखते हैं आगे क्या है, शायद मुझे लगता खत्म ही हो गया अब। गाइस आप डिस्कवरी पुल को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ हैंड वॉश करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ रहा मुझे नहीं पता, देखते आगे बताता हूँ आपको हैंड वॉश क्यों करवा रहे हैं लोग। तो गाइस मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं, यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए किसी टॉवल या टिश्यू का टिश्यू यूज़ नहीं कर सकते हो, है भी नहीं वहाँ, एयर डिस्पेंसर से आपको हैंड वॉश करना होंगे, और शायद मुझे लगता ये है छूने के लिए हैंड वॉश करवाया गया था लगता है, देखते हैं क्या है आगे से। मुझे आ गया नंबर। ओके सो ओवर हियर यू कैन ट्राई टू टच आवर सी स्टार्स एंड देन यू कैन टच द स्नेल्स इन फ्रंट ऑफ यू एज़ वेल। ओके सो फॉर द सी स्टार यू ट्राई टू अवॉइड द ब्लैक स्पॉट ऑन टॉप, जस्ट टच द साइड ऑफ द लेग। या ओके सो डोंट टच द ब्लैक स्पॉट्स, ओनली द साइड। ओ जस्ट कैन टच, दिस इज अ सी स्टार। सी स्टार ओ and the green one, the green one is a brittle star, you can touch the leg, don't touch the body, touch the leg, huh? Yeah, just the leg. And this one, there are snails inside. Oh. Thank you. Thank you guys, to see aquarium bas itna hi tha, aur acha laga, bahut acha tour tha, aur सारी फीचर्स की वैरायटियाँ देखने को मिली, तो बहुत अच्छा था। अब निकलते हैं हम घर की ओर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं और कुछ है, शायद एग्जिट आ गया सामने। तो फाइनली गाइस मैं देख के बाहर आ गया हूँ, और बहुत अच्छा था व्यू, और सारी फीचर्स की वैरायटियाँ देखने को मिली थी, और बहुत कुछ था। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।